दोस्तों, टाइगर मूवी के ऊपर कटरीना कैफ का शानदार रिएक्शन आ रहा है। कटरीना कैफ कहती है कि ये मेरे कैरियर की सबसे बड़ी मूवी है और सलमान खान बहुत ही अच्छे एक्शन स्टंट में इस बार नजर आएंगे। हम दोनों ने इस बार कुछ नया करने की कोशिश की है और यकीन से टाइगर 3 भी बहुत अच्छा आपको एंटरटेन करेगी और हो सकता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर सारा रिकॉर्ड तोड़ दे। वहीं बहुत ही जल्द टाइगर 3 का ट्रेलर भी आने वाला है और टाइगर का मैसेज देखने के बाद हर कोई टाइगर 3 के ट्रेलर का इंतजार कर रहा है। और दूसरी तरफ सलमान खान भी अपनी मूवी को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक है क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार बॉक्स ऑफिस के ऊपर सलमान खान का कब्जा होगा। टाइगर 3 में सलमान खान को एक धोखेबाज एजेंट दिखाया गया है जो कि अपने देश से गद्दारी करता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो सलमान खान यानी कि टाइगर किस तरीके से अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए जो एक्शन दिखाएंगे वो भी काफी सादा अच्छी स्टोरी को दर्शाता है और लोग भी इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आपको इस बात को भी भूलना नहीं है कि टाइगर 3 में शाहरुख खान भी होंगे, यानी कि दोनों खान जब एक साथ आएंगे तो बहुत बड़ा बवाल मचेगा। और अगर हम न्यूज की बातों को माने तो बताया जा रहा है कि शाहरुख खान के एक्शन सीन को बनाने के लिए 35 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस होने वाला है जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा। यानी कि इस बार जो दिवाली पर टाइगर शिकार करेगा वो आज से पहले किसी नहीं किया होगा और हो सकता है कि टाइगर 3 मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक नया इतिहास रच सकती है और टाइगर 3 भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत बड़ी कलेक्शन करने वाली सलमान खान की मूवी साबित हो सकती है। और वहीं इस मैसेज को देखने के बाद काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज भी हिल चुके हैं। आपको हर एक टाइगर 3 की अपडेट मिलती रहेगी, तो अगर आप सलमान खान के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको भाईजान की फिल्म टाइगर 3 की छोटी से लेकर बड़ी अपडेट मिलती रहे। आपको टाइगर का मैसेज कैसा लगा कमेंट में लाजमी लिखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। धन्यवाद।